अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक और मेरिट लिस्ट का ऐलान कर दिया है। क्या ये फाइनल मेरिट लिस्ट होगी या कि इसके बाद मज़ीद एक और मेरिट लिस्ट लगेगी? फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इस्लामाबाद के हवाले से आखिरी मेरिट लिस्ट के बाद जो वेटिंग लिस्ट थी उसमें से एक कैंडिडेट को चांस दिया गया है और एक और मेरिट लिस्ट की अनाउंसमेंट हुई है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कौन से कोटा के ऊपर मज़ीद स्टूडेंट्स को चांस मिला है, किन किन कोटा के ऊपर एडमिशन मुकम्मल हो चुके हैं और क्या आखिरी इसके बाद एक और मेरिट लिस्ट लगेगी या कि ये आखिरी मेरिट लिस्ट साबित होगी। आप देख रहे हैं इनोवेशन चैनल। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एजुकेशन कैरियर के हवाले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते हुए बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये नोटिफिकेशन है शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के हवाले से मेरिट लिस्ट की अनाउंसमेंट हुई है। वेटिंग लिस्ट के ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं उनको चांस दिया गया है 48 आवर्स के अंदर। अगर आप किसी तरह का अगर इसके अंदर कोई आपको लगता है कोई डाउट है इसके अंदर तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ। इसके अलावा जो कैंडिडेट जिनके इस लिस्ट में नाम है 29 जनवरी तक वो फ़ी जमा करा सकते हैं कॉलेज में, फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इस्लामाबाद में। ये मुकम्मल लिस्ट है, अभी हम आपको बताएंगे कि मेरिट कहाँ तक ड्रॉप हुआ है। तो सबसे पहले ओपन मेरिट की बात करते हैं। ओपन मेरिट के दाखिले तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, तमाम सीटें फिल हो चुकी हैं। इसके बाद आज़ाद कश्मीर के कोटा के ऊपर 3 मज़ीद स्टूडेंट्स को चांस दिया गया है और सातवीं मेरिट लिस्ट जो कि इसमें जो क्लोजिंग मेरिट है 91.5909 है, यही मेरिट छठी लिस्ट के अंदर भी था, जबकि वेटिंग लिस्ट से 3 कैंडिडेट्स को यहां पे शामिल किया गया है। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉज़ के कोटा के ऊपर जिन लोगों ने अप्लाई किया था वहाँ पर अभी 5 स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट से शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ पे भी मेरिट कम नहीं हुआ। मेरिट वहीं पे है 91.45 के ऊपर, छठी लिस्ट में भी यहीं पे था, सेवन्थ के ऊपर भी यहीं पे है। इसका मतलब एक ही मेरिट के ऊपर बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ पे होते हैं, इसलिए इस वक्त जो मेरिट है 91.4545 है और 5 स्टूडेंट्स हैं जिनको वेटिंग लिस्ट से लिया गया है। पंजाब के कोटा के ऊपर जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था वेटिंग लिस्ट में से यहाँ पे तकरीबन 8 स्टूडेंट्स को शामिल किया गया है, वेटिंग लिस्ट में से शामिल किया गया है और से ये लिस्ट आपके सामने है। सीरियल नंबर 1 से लेके 10 तक 91.68 से मेरिट स्टार्ट हो रहा है और वेटिंग लिस्ट से जिस स्टूडेंट्स को ऐड किया गया है 91.6136 जो कि पिछला क्लोजिंग मेरिट था। यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 स्टूडेंट्स हैं जिनको वेटिंग लिस्ट से लिया गया है और जो मेरिट है 91.6136, जबकि छठी लिस्ट के अंदर भी यही मेरिट था 91.6136। तो मेरिट में बिल्कुल भी चेंज नहीं आई और सीट्स भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हैं और लग ऐसे रहा है कि अब मज़ीद और कोई लिस्ट अनाउंस नहीं होगी, और अगर कोई एक आधी सीट रह गई तो इंडिविजुअल को कॉन्टेक्ट करके एडमिशन के लिए ऑफर किया जाएगा। ये सिंध रूरल के वाले से 2 स्टूडेंट्स हैं और जो एग्रीगेट है क्लोजिंग मेरिट 86 तक चला गया है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका इस लिस्ट के अंदर नाम है उनके लिए ज़रूरी है कि 29 जनवरी 2020 तक वो फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में फ़ी और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएंगे। अगर 29 जनवरी तक सबमिट नहीं करवाएंगे तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और वेटिंग लिस्ट के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं उनको चांस दिया जाएगा। फर्दर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ इन टच रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।